मीलाद का मौसम आया है। ये क्या है मूंछ वाली? यूं करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा करंट पड़ता है। लिखना है डियर हीरा राबिया, कुछ लिखना ठीक है। ना मैं आप अचाना मिल हाई तक ही सोच रही हूँ क्या लिखूं। सॉरी सॉरी आपी सॉरी। ये है सिस्टर बनी। आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि आज जो है ना आप ही ने अपने घर पे रखा हुआ मिलाद, ठीक है। इस मौके पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आज करूंगी सबके साथ प्रैंक, क्योंकि सब इकट्ठे हो रहे हैं, सो बहुत मजा आएगा। लास्ट टाइम मैं रीभाई के साथ भी प्रैंक नहीं कर सकती थी, आज उनके साथ भी करेंगे। सो वेट करें, बहुत मजे का प्रैंक होने वाला है। मैं बड़ा ही प्रोफेशनल गैजेट लेकर आई हूँ, उससे प्रैंक होगा, और वो स्पेशल मैंने जो है ना वो छुपा के रखा हुआ था बड़ी देर से। सो लेट्स गो। नीचे की सूरत हाल कुछ है कि पापा ऑलरेडी रेडी खड़े। आपने यही पहन के जाना आज? नहीं मैं सही नहीं लग रहा। नहीं हाँ प्यारे लग रहे हैं, मुझे लगा था वाइट सलवार कमीज पहनेंगे, लेकिन आप पे ब्लू की अच्छी लग रही है। पापा मिलाद के लिए तो पापा ने सलवार कमीज पहनी, तो हमारा ही होता, पता नहीं कौन सी रंग बिरंगी ये वो पहने। हमें तैयार नहीं होना क्या जल्दी, हम लेट हो रहे हैं। कर लिया मैंने अपने कपड़े पे, सो रही हूं। और ये नाश्ता इसने पहले ही कर लिया। मुझे अभी तक मामा ने नाश्ता दिया नहीं है। मामा किधर हो? मामा ने इधर अपने कपड़े तो निकाल के रखे हुए, लेकिन मामा खुद किधर है? मेरी मामा किधर है? मामा को कहाँ छुपाया तुमने? खुद तुम्हें बस कितनी वैसे ऐसे कहते हैं? मेरे पास कार से आई मामा। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, माँ के बराबर हूँ, मुझे तमीज से बात किया करो, ठीक है। अब तुम खड़ी ठीक हो रही हो? टांग ठीक है तुम्हारी? एक टांग पे खड़ी हो सकती हूँ मैं, अपनी टांग थाई क्योंकि जोर नहीं इस पे दिया जा रहा मुझसे, ठीक है। लेकिन शुक्र है, शुक्र अब चलने लग गई है जैनब। मेरी मम्मा, मेरे अम्मी। चुप करो जैनब, तुम पहन के रही हो, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई कपड़े नहीं है कोई, क्योंकि सर्दी आ गई है। क्या देखो मैचिंग हम कैसे कर सकते हैं, मेरी शक्ल इतनी प्यारी है, तुम्हारी इतनी अजीब सी है, मैचिंग हो ही नहीं सकती चाह के भी। पापा जी मामा किधर है? मुझे कपड़े वगैरह ढूंढने, मामा मिल ही नहीं रही है यार। मामा आई थिंक मेरे ऊपर है। ऊपर गई हुई है गाइस, लगता है मामा ने हीरापे के साथ उसके कपड़े निकाल रही होंगी, जाके मामा को ढूंढते हैं। मेरी प्यारी मामा आप कहाँ हो? गाइस मामा हमेशा मुझे यहाँ पे दिखती थी, मुझे लगता है ये कोई नूडल्स रख के भी यहाँ पे गया हुआ है, ये कोई तो यहाँ पे चक्कर है। मामा मुझे लगता है रेडी होने गई हुई है। गाइस हम लोग जो है तब तक तैयार हो जाते, मामा पता नहीं कहाँ गई हुई है, आ जाएंगी थोड़ी देर में, और जैनब को हम क्रॉस करने लगे, क्योंकि जैनब अगर प्यारी है तो मैं भी प्यारी बन जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है। मामा आप कहाँ गई थी? आपको कब से इतना ढूंढ रही थी? मैं भाई पौधों को चेक कर रही थी कि कौन किस पे फूल, पौधों को चेक कर ले, अपनी बेटी को चेक नहीं करना, तो जो बेचारी अकेली घूम रही थी। क्या हुआ? मुझे भूख लगी, नाश्ता भी नहीं है, कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं मेरे कपड़े। मुझे प्यारे से खाना भी चाहिए और कपड़े भी चाहिए, प्लीज मदद करें। एप्पल खा लो, खाना आपके घर। ये क्या बात हुई मामा, नाश्ता नहीं देना क्या? ये क्या बात हुई, वहाँ जाके खाएंगे? तो लेट उठी है, जल्दी उठती ना फिर। ये सही है, जब कहीं जाना होता है ना मामा कहती है नाश्ता ना करो, वहाँ जाके खाना खाना। खुद मामा ने देखो गाइस इतना ज्यादा वो खाया अपना सैलेड सैलेड, ये तुम भी खा लो। मामा ने इसमें इतनी ज्यादा सब्ज मिर्च डाली है, मैंने बहुत स्पाइसी है मामा, इसलिए खा रही। मैंने वहाँ जाके खाना नहीं खाना। क्यों? आप डाइटिंग पे? हाँ, मैं माय गॉड, मैं इधर डाइटिंग पे लगी। खैर मामा जी मुझे कपड़े दे दें थोड़े, मुझे मिल नहीं रहे हैं मेरे कपड़े, प्लीज मदद फरमा दो मेरी। इधर से हम कोई कपड़े देख सकते हैं मामा? किधर है? इस जैनब को ना देना मेरे कपड़े मोटी, देखो बेचारी कैसे चल रही है। बैठ जो, ज्यादा मत चलो तुम। मम्मा मुझे कोई अच्छा सा सूट चाहिए, ताकि सब कहीं खोड़ा आ गया, कितनी प्यारी लग रही है देखे। मम्मा के कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं वैसे यार, दिखाए भाई। कुछ ज्यादा ही फैंसी नहीं हो रहा वैसे? नहीं नहीं मम्मा, ये तो शादी लाइफ का। मम्मा नहीं यार, मिलाद का ऐसे नहीं पहनते, मिलाद पे नहीं, बहुत फैंसी है, कुछ छोड़ दे। ये वाला तो मेरा होगा, मुझे नहीं पता, ये तो मेरा ही है, ये मुझे दे दे। मम्मा एक मिनट, वो देखे फुल लड़कियों वाला पहने, मुझे आपने बुड्ढी आंटियों वाला दे दिया यार। बात तो सही है, मैंने नहीं पहना ये। नो नो, हाँ कोई प्यारा सा कोई रंग रंगा अच्छा दे। मीलाद का मौसम आया है, झूम 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 आया है, दिखाएं ड्रेस, दिखाएं जरा मुझे आगे से कैसा है ये वाला। हाँ ये नाइस लग रहा है, ये प्यारा है। हाँ गाइस ये वाला हम यही वाले पहनूंगा, यही वाली पहनूंगा। मामा साथ दुपट्टा लेके, मामा ये हाँ ये वैसे अच्छा दुपट्टा, चलो ये ले लूंगी, ठीक है। आज जो है ना चलो यार, करके लेट हो गया, फटाफट से मेकअप करते हैं। हीरा मैडम जो है वो ऊपर अपना तैयार हो रही है, वो अकेली तैयार होती है। चलो यार जल्दी से जो ना मेकअप सारा कम्प्लीट करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस फाइनली मेरा जो मेकअप है वो डन हो चुका है, लेकिन मैं जो कपड़े पहने ना मुझे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब जो है ना इतनी प्यारी प्यारी तैयार हुई है। जैनब भी इतनी प्यारी लग रही है, मामा मैं नहीं अच्छी लग रही है यार। मेरे कपड़े देखो, मेरे कपड़े नहीं हट जाओ आगे से, ये उतारने लगी तुम पहन लो। मामा आपका तो बहुत प्यारी लग रही है, आप यही पहने ना। आप ये पहनने लगी, आप भी चेंज करने लगी है। गाइस मैं भी कोई और पहनने लगी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरा ड्रेस। ये दिया था ये, दिखाए ये पहन लेते, देखना ये पहन के मैं कितनी सुंदर लगूंगी। ओके गाइस तो फाइनली मैं जो हूँ वो फुल रेडी हो चुकी हूँ, मुझे अपने ये वाले कपड़े जो अच्छे लग रहे हैं, इसके साथ जो हम लोग कोई प्यारा सा दुपट्टा लेते हैं,
पहनेंगे और साथ थोड़ी ज्वेलरी पहनेंगे। इधर जो है ना इनकी दुपट्टों की डिसाइडिंग ही नहीं खत्म हो रही है। जैनब जो है ना अपना दुपट्टा चेंज करे, जैनब फिर अपना लाल दुपट्टा दो मैं लूंगी, दिखाओ जरा कहाँ है। गाइस ये हमारा अदला बदली हो रही है, तू ये ले ले मैं वो ले लेती हूँ, कहाँ है दुपट्टा। आज इधर मामा का एक सूट से ध्यान नहीं ठप कहेगी, दूसरा वैसे एक बात बताता व्हाइट अच्छा लगेगा अगर पहन लेगी तो, मिलाद वाला लगेगा। लेकिन मामा एक बात तो, हम सब ने ग्रीन ग्रीन पहना तो ऐसा कह रहे हैं आप ग्रीन ही पहनी रखें, क्योंकि फातिमा ने भी ग्रीन पहना, आपने भी। मैं पहन के देखती हूँ, अगर ना अच्छा हो उतार दूँ। चलो ठीक है पहन के चेक कर ले, लेकिन ग्रीन भी अच्छा लग रहा है वैसे, क्योंकि मैं मामा की ट्विन बेटी लग रही हूँ, मैंने भी ग्रीन पहना है, फातिमा ने भी ग्रीन पहना है और मामा ने भी। हो गया देखो, ओए हाँ नहीं। हेलो जी गाइस, मामा ने पहन के, मामा ये प्यारा लग रहा है फातिमा, वैसे मामा डिफरेंट लग रही है थोड़ी सी। आए जरा पापा से पूछते हैं, पापा से पूछते हैं, पापा बताएंगे सही, पापा मामा को सही मशवरे दे देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अक्सर पापा जी बताना, पहले वाला ठीक था, फिर आप भी आपके कहती पहले वाला, पहले वाला तुम क्या कहती हो, पहले वाला मामा पहले वाला पहने, जब हमारे घर में मिलाद होगा फिर पहनूंगा। ठीक है, सबसे प्यारी तो आज जैनब लग रही है गाइस, जैनब भी तुम्हारी शर्ट पे कुछ गंद लगा हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये गजब बेइज्जती है ये। सो गाइस अब मैं ऊपर आई हूँ खुदसा देखने के लिए, यहाँ से कोई अपने लिए प्यार से कोई जूता देखते हैं। गाइस एक्चुअली जूता देखना तो एक बहाना है, मैं असल में आई हूँ ऊपर हेरापी के साथ प्रैंक करने के लिए, और प्रैंक हमने करना है इस पेन के साथ। ये कोई मामूली पेन नहीं है, इस पेन के जो है बहुत ही ज्यादा करंट छुपा हुआ है, और जब आप इसका यूं करते हो ना आपको बहुत ज्यादा करंट पड़ता है, तो बहुत मजा आने वाला है। देखना फिर आप पिक्सा करेंगे, पहले यहाँ से जूता देखते हैं, आपको अपनी फुल लुक दिखाते हैं, फिर प्रैंक करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस ये है मेरी आज की फुल लुक, मैं जो है ये मामा ने ग्रीन दुपट्टा पहना है, दुपट्टा कह रही हूँ ड्रेस पहना है, नीचे हमने सा पहना है रेड कलर का किया है, और साथ हमने इयररिंग जो है छोटे छोटे ही रखे, और मेकअप ने वो लाइट सा किया है। सो पापा की लुक तो दिखाओ, पापा की गाइस लुक जो है वो कुछ, ये क्या है मूंछ वाली, ये क्या है, पापा को चैलेंज तो मूंछ रख के आपकी, पापा जी अगर आपके अंदर गट्स है ना आज आप ये मूंछ लगा के जाएंगे, ठीक है डन। और आप ही को जाके बोलेंगे कि पापा ने जो है ये मूंछ करवा ली है, ठीक है आप पता चल रहा अभी तो उधर है मूंछ फड़ के बाहर। गाइस अब जो है ना फाइनली हम लोग हिरापी के साथ करते हैं प्रैंक स्टार्ट। हिरापी हेलो हिरापी, मुझे आपकी एक बहुत ही ज्यादा हेल्प चाहिए, मेरी मदद करोगी। आपको पता है कि इस घर में जो प्यारी राइटिंग है वो हिरापी की है, मैं ना आप ही के लिए एक प्यारा सा नोट लिखवाना है, आप लिख दोगी मुझे, प्यारा सा एक नोट लिखवाना है, ठीक है। अच्छा आपने लिखना है डियर हीरा, ओ राबिया कैसा लगा मेरा मजाक कैसा था प्रैंक, कैसा था पढ़ाया कि बदतमीज, ये करंट वाला पे मजा आया कि नहीं आया, मतलब बता कहती बड़े आराम से लिखने लगी थी, ये तो ये पता आज सबके सामने यही प्रैंक करूंगी, देखो ये पता नहीं ना लगता, सबको बता दूंगी। हीरापी नहीं सबको नहीं बताना, पता नहीं ना पता लगता कि करंट है इसके अंदर कितना रियल था, मुझे आपकी राइटिंग मुझे पता है इस घर में सबसे प्यारी है, तो मुझे एक नोट लिखवाना है, लिख देंगी आपकी के लिए स्पेशल, लिख देंगी आ जाओ मामा, प्यार से लिखना है प्यारी इकरा ऐसा कुछ लिखना, ठीक है। यही सबके साथ प्रैंक करना है, किसी को पता भी नहीं लगेगा और सब डर भी जाएगा, सबसे ज्यादा ये मैंने स्पेशल मंगवाया, ये बड़ा अच्छा है ये। गाइस मामा का रिएक्शन हीरापी से बहुत ज्यादा, हीरापी पता इतना कम दे रही, तो वो आपके त्योहार मर गए, आपने बोलना नहीं है, ठीक है ना, आपने किसी को बताना नहीं है इस प्रैंक का, ठीक है ना, बस आपने खामोश रहना है, खामोश जितना कोई नहीं डरेगा, आप तो यार स्वीटी है, सॉरी मामा सॉरी। ऐसे इन्होंने कमरे में इतना गंद मचा दिया, रुक जरा मैं पापा से क्लास लगवाती हूँ इनकी, अभी पापा जी जरा इन सबको डांटा, इन्होंने देखे कमरे में कितना गंद डाला हुआ है, पापा इधर क्या कर रहे हैं, पापा जी इनको जरा थोड़ा डांट लगाई, इन्होंने देखे कमरे में कितना गंद डाला हुआ है, और गंदा ना हो तो नहीं, अपने लापरवाही का नतीजा है, दिल इतना डरा हुआ है, क्यों मामा क्यों डरा हुआ है यार, मैंने ऐसे ठा किया तो मेरा दिल डर गया, पापा जो है ना छोटे बच्चे बने, पापा जी तो हमें दोबारा जो है ना पटाखा बजा के दिखाएंगे एक दफा, नहीं वो शॉपर के अंदर वाला, हमने पापा को जो है वो शॉपर डाल, पापा जी ओए पापा इस चीज में बड़ा एक्सपर्ट है, ये छोटे होते बचपन में ना यही काम करते रहे, गाइस कौन कमेंट में बताएगी कौन कौन बचपन में ऐसे जो था ना पटाखा बनाता था, ये सारा गंद तूने ही डाला, नाम दूसरों का लगा रही, मम्मा मैंने नहीं,
डाला है, सारी बहनों ने गंद डाला है, वो देखे मेकअप कितना दुपट्टा दिया, फिर मैंने ये सूट दिया, वो तुमने उतार के इधर फेंका है। मामा मैं लड़की हूँ ना, वुमन। हाँ तो मैं यही करती हूँ, कोई बात नहीं, अभी हम गाइस मिलके मैं और मम्मा जो सारा साफ कर देते हैं। हीरापी का बैग है मेरा प्यारे, लेकिन ये हीरापी नहीं लेना, आप भी ले सकती है, सिंड्रेला का बैग है। मैं गोल्डन, मामा गोल्डन लेगी, मेरे साथ भी गोल्डन जैसे मैच होगा, मैं भी कोई बैग पकड़ती हूँ अच्छा सा। गाइस हमने पापा को अलग बुलाया, पापा जी एक ना मैं पापी के लिए प्राइवेट मैसेज लिखवाना चाह रही हूँ, मुझे पता है आपकी राइटिंग जो है ना सबसे घर में बहुत अच्छी है, तो मैं आपसे लिखवाना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने भी लिखा है, देखना पापा, सब मतलब सबसे छोटा छोटा नहीं, आज सबसे छोटा छोटा मैसेज लिखवाओ ना, आपने भी एक मैसेज देना। मैं आप अचानक मिल हाई तक मेरा मैसेज अच्छा कि इनका मैसेज आज चैलेंज होगा, चैलेंज होगा, ठीक है पापा जी। ये डायरी है, ये पेन है, इस पे आपने यहाँ पे लिखना है, ये ले यहाँ पे। हाँ तो रबे को पापा कान से पकड़ सकती है, पापा कमरे में, पापा जी आज तो आपके कमरे में भी गंदा है, आप बताएं। मैं ज्यादा नहीं, मेरा है ही नहीं, देखे ऐसे ही मैं भी नहीं डालती, मेरा तो नहीं होता। ये देखो ये किसने डाला, ये देखो ये मम्मा, जैनब मेरे कमरे मेरा गंद नहीं होगा, क्योंकि मैं मैसी लुक पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं पसंद करती, जैनब डाल देती है गंदा, आप मैस करते हो ना। मैं अच्छा मैसेज लिखो, चलो आए मैसेज लिख रहा पापा जी, कोई अच्छा सा मैसेज लिख रहे हैं आपने, ठीक है। पापा जी अच्छा नहीं, पता नहीं लगता कि बनाएंगे, पता नहीं लगता। आपके साथ किया है और अहिरापी के साथ, के मामा के साथ, अब ये तीन बाकी रह गई, इनके साथ भी अभी करना है, ठीक है ना। फटाफट पेन किधर गया मेरा, मेरा पेन, हाय मेरा प्यारा पेन, आ जा वापस। जैनब मैडम को मैंने बुला लिया, जैनब अब जो मिशन है ना वो तुमने भी लिखना है, हम सब जो है ना वो आप के लिए कोई ना कोई प्यारा सा नोट लिख रहे हैं, तो तुम्हें भी मैं चाहती हूँ कि लिख दो पहले जो, लेकिन छुपके पहले जो है ना दरवाजा बंद करो, पहले दरवाजा बंद करके आ जाओ। जैनब अच्छा सा लिखना, प्यारा सा कोई भी लिखना, माई डियर आपी, क्योंकि सारा जो है ना, क्या हुआ क्या हुआ, हुआ क्या है, पकड़ो, मैं क्यों पकड़ो, बेटा मुझे पता है इसके अंदर करंट है, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक फातिमा रह गई, फातिमा के साथ करने मत करो गंदी, छोड़ो देना करंट मारने यार, मत करो फातिमा के साथ, कहना बोलना मत, अगर तुमने अपना मुंह खोला तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, कैसा था प्रैंक, कैसा था प्रैंक, देखना आप भाई के साथ भी करोगे बहुत मजा आएगा। गाइस अब जो है ना सिर्फ फातिमा रही है, देखना जरा उसको कैसे बुद्धू बनाती। हेलो फातिमा, फातिमा आज ना मैं सबके लिए छोटा छोटा सा, याद है मैंने एक दफा आपकी के लिए एक पेंटिंग बनवाई थी, हाँ। जिसमें सबके लिए एक एक नोट लिखा गया था, याद आया ना, अब तुमने फिर से एक आपकी के लिए प्यार सा नोट लिखना, आपकी और अरीब भाई दोनों के लिए, ठीक है ना। फातिमा इजी होकर लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्यारा सा लिखना, अच्छा सा सोच रही हूँ क्या लिखूं, लिखना के मेरी प्यारी आपकी सुंदरी आपकी कुछ भी, अच्छा क्या हुआ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, हुआ क्या, पाने से करंट लग रहा है कि ये प्रैंक है कि वैसे प्रैंक, मैं तो कोई प्रैंक नहीं कर रही, पापा जी कोई प्रैंक हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा है। याद आया फातिमा, याद आया तुम्हें पता है हमने कब, हाँ मत फेंक तो मेरे प्यारे पेन को, वापिस आ मेरे पेन, यार ये कितनी बदतमीज है, लिटरली करंट पड़ा है मेरे अंगूठे में, पागल हो, पागल बेटा जी, स्पेशल प्रोडक्ट थी जो किसी को पता भी लगता, भी अरीब भाई और आपी के साथ होगा ना तो देखना मजा आ जाएगा, उनको पता नहीं लगना चाहिए, तुमने बता दूं, मैं बात नहीं करूंगी फातिमा, फैंस के साथ दगाबाजी हो जाएगी, अरीब भाई के साथ तुम्हें जरूर करना है, मैंने बदला लेना है, ठीक है नहीं बताती, किसी दिन इस करंट से ना किसी ने मर जाना है, वाह मम्मा किसी दिन ना मम्मा आपकी खूबसूरती से लोगों ने मर जाना, मरे ना मरे दहशत से मर जाना, जितना डर था मुझे। बस अब रह गया अरीब भाई और आपी, इन दोनों के साथ मैंने ऐसा करना ना, मेरा दिल में था अरीब भाई के साथ मैं जरूर प्रैंक करूं, बस आ गया तो तंग ना करो मुझे, आपकी कैसे लिखेगी, उसके तो हाथ पे चोट लगी, आपकी सीधे हाथ पे चोट लगी हुई है, मैं उसको कहूंगी आपकी उल्टे पे लगी है ना, बस ये सीधे हाथ से लिख देगी और अरीब भाई तो लिख के देंगे मम्मा, उसको कहना कि अरीब के लिए कोई अच्छा सा मैसेज लिखो, हाँ कहना इकरा के लिए कोई अच्छा, मैं दोनों के साथ डबल गेम खेलूंगी और दोनों को बुद्धू बनाऊंगी। आप जो है पापा जैनब को एक्सरसाइज सिखा रहे हैं हाथ की, इससे आपके हाथ जो है वो स्ट्रांग होते हैं, वाह जी वाह, पापा इसीलिए पापा के जो है ना आप दिखाएं इतना, हाँ पापा पापा किसी गाइस देखे इतनी वेन्स आ रही है, क्या बात है यार, ये लो जरा कुछ लिख के तो दिखाओ जरा मुझे, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, उधर आप ही कॉल करिए कि मिलाद स्टार्ट हो गया, जल्दी लड़कियों जल्दी करो, लेट हो गए हैं यार, मामा चलो निकलो, पापा का कसूर है ना, जल्दी काहे नहीं, हां पापा लेट तैयार हुए हैं, पापा की साइड है आ गई है, काहे नहीं जल्दी तैयार हो जाए, मैं तो सबसे पहले तैयार हुई हूं, मेरी कुछ सुनता नहीं पे, मैं तैयार सबसे पहले आया हूं, नहीं सही बात है मामा, पापा सबसे पहले तैयार हुए थे, आपने लेट किया, काहे नहीं जल्दी निकले, खैर गाइस सारी लड़कियां रेडी हो गई, पर वेट किसका कर रहे हो, जल्दी निकलो चलो, मामा जी ये जो है ना ये अपने बैग में छुपा ले जल्दी से, प्लीज जल्दी से, मामा डर ना दे छुपा ले, हीरा पे मैंने मामा के साथ भी किया, इसने मेरे साथ जो प्रैंक किया ना, मैंने पूरे घरों के साथ किया, जल्दी से इसको छुपा ले, पड़ चुका है मुझे, शुक्र है मैंने ऐसे पकड़ा, पीछे से पड़ता है, हाँ जी मैं इसको छुपा ले, क्योंकि आप पे अरीब भाई को पता नहीं लगना चाहिए, चलो। तो जी गाइस ये है पुलिस स्टोरी की लुक, पहली लुक मेरी है और ये है पापा की ब्लू लुक, पापा की है ग्रीन लुक बिल्कुल दुपट्टे के साथ, और जैनब की है स्किन लुक, मामा की है ग्रीन लुक, हिराफी की है येलो लुक, तो ये है सिस्टर बनी। A
few moments later. तो जी गाइस हम लोग फाइनली आपके घर पहुंच चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. मिलाद का मौसम आया है. बहुत प्यारी लग रही है. अल्लाह आपको खुश रखे. ऐसे ही आपका घर आबाद रहे. थोड़ा भाभी माशाल्लाह आके अब जरा पढ़ाइयां शुरू करें. आज हाँ, से पढ़ाइयों से चलो यार. करम मांगती हूं अता जो है मिलाद खत्म हो गया. बहुत मजा आया. बहुत मस्ती हुई. और फाइनली जो मेन चीज थी खाना आ चुका है. वैसे सही बताऊं आपने अच्छी वाली मिलाद ही हुई. ये लोग जब भी घर में कुछ रखती है ना खाना नहीं रखती है. आप ये सही पैसा लगा है. हाँ आप ही ये देखो ये सारी ऐसे ही करती है. कोई खाना नहीं रखती है. आप ही ने खाना रखा है. तुमने लास्ट टाइम मिलाद किया नहीं जी तो उसमें खाना रखा था मैंने. याद करो बेटा इस तारीख. खैर गाइस आपने बहुत मजे का खाना रखा. अब सारे खाना शाना खाते हैं गाइस. अब जो है ना इधर इन लड़कियों का शूट हो रहा है आपी का वहाँ पापा के साथ. और आपी जो है इनकी फोटोग्राफर बनी हुई है. खैर गाइस अभी जो है ना इधर टी टाइम चल रहा था. और सब पूछना आपी मुझे अरीब भाई दिखाई नहीं दे रहे. कहाँ पर है? अरीब गए ट्रिप पे. आप लोगों ने तुमने पिछला व्लॉग नहीं देखा? मुझे लगा वो प्रैंक था. तुम्हें हर चीज प्रैंक लगती. तुम्हें मेरी चोट प्रैंक लगती. तुम्हें हर चीज प्रैंक लगती. मुझे था कि आपी कभी भी उनको जाने नहीं देगी. ऐसे जाने दिया है. वो जीत गए थे गेम. मैं क्या करूं? दोस्तों के साथ गए हैं. तो अब वापस कब आना? आज वापस नहीं आना उन्होंने. कब वापस आएंगे? बहुत देर बाद. गाइस बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि बात ना करीब है. वो ट्रिप पे चले गए. ट्रिप पे चले गए और मेरा यहाँ पे प्लान चौपट हो गया. कुछ नहीं मैंने बस उनसे एक दो बातें करनी थी आपके रिलेटेड. ये लड़कियां जो इधर आपी का मेकअप छुप छुप के यूज करी है. तुम पता मेरे साथ कितना बुरा हुआ है आपी. मैंने रीबा एक साथ प्रैंक करना था ना वो है ही नहीं घर यार. इंसल्ट हो गई है यार. बट कोई बात नहीं ना करो चोरी. मैं आपकी को शिकायत लगा जाती हूँ. सारी आपी का मेकअप चोरी कर रही है. गाइस मैंने इतना सोचा था रीबा के साथ प्रैंक करूंगी लेकिन कोई बात नहीं. आप लोग सोच के रखना मैं रीबा के साथ कोई और प्रैंक करूंगी बहुत हैवी वाला. मुझे सारे कॉमेंट्स में बताना ठीक है ना. जैसे वापस आएंगे वैसे उनके ऊपर प्रैंक होगा. बट अभी जो है ना हम लोग सिर्फ आपी के साथ कर लेते हैं. सो गाइस अभी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ. पापा जो मामा को ले गए हुए थे डॉक्टर के पास. और मैंने उनको कॉल किया भाई मेरा पेन ले गए हैं करंट वाला. मैंने प्रैंक कैसे करना था. वापस पापा मामा को लेकर आया और मेरा पेन देने आया. किधर गए ये लोग? जरा इनकी मैं क्लास लूंगी. अभी तक आए ही नहीं है. मामा वैसे कितनी गलत बात है ना. आप ऐसे चली गई पेन दिए बगैर. से मुड़ के आए तेरे पेन की. तो फिर आपने वहां पे मेरा बेचारा पेन छुपा लेती हूं फटाफट से. ओके बाय. अच्छा पहला क्वेश्चन है कि आपको अरे भाई कितने क्या हुआ यार? करंट था ना. हैं करंट तो नहीं है इसमें. कैसा लगा हमारा प्रैंक? कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा हमारा प्रैंक? मैंने इसके साथ भी किया था. इसके साथ भी किया था. कैसा लगा प्रैंक? मेरी पूरी बहन मेरा पहले एक हाथ जख्मी है. तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी. पता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी? नहीं का उल्टा हाथ है ये. सीधा हाथ थोड़ी है. सीधा हाथ पे मैंने तो करंट लगाया. वो पूरे मेरा पहले एक थंब नहीं मूव करा. तुम दूसरा एक ही से व्लॉगिंग मेरी चली जाएगी. चिमाट लगाओ इसे. बोल रहे आप ही. नो आप ही. मैं छोटा सा. सॉरी आप ही. सॉरी गाइस आज का व्लॉग बड़ा मजा आया. बड़े मजे के जो है ना वो प्रैंक्स हो गए हैं. बस अरीब भाई रह गया. कोई बात नहीं वो वापस आ जाए उनके साथ फिर करूंगी. आप ही एंजॉय कर रहे हैं. आप ही ऐसे ना जाने. दो लड़कों को नहीं अकेले जाने देते ट्रिप पे. नजर रखते हैं. मैंने अपने हस्बैंड ही नहीं बनाना है. बात ही खत्म है. खैर अभी जो है वो पापा और मम्मा हमें लेने के लिए आ रहे हैं. वहाँ डॉक्टर से आगे होंगे तो खैर फिर हम लोग जो है वो घर जाते हैं. चलो जी गाइस हमें जो है वो मामा लेने आ चुकी है. पापा भी तो ज़ैनब आ जाओ यार. बाय बाय बाद में कर लेना. चलो आ जाओ ज़ैनब बुला रहे हैं पापा. जल्दी आओ. ओके आपी बड़ा मजा आया. ख्याल रखो ज़ैनब. जल्दी आओ तुम्हें थप्पड़ मारूंगी. जल्दी आओ. चलो जी गाइस अब घरों का निकलते हैं. लेट्स गो टू होम. चल चल चल. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो जी गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं. मामा आपको पता है आपके साथ मैंने इतना मजे का प्रैंक किया ना आप एकदम से पूरा डर गई थी. बस अरीब भाई रह गया. कोई मसा नहीं. आप बताएं हर दफा बच जाता है. हां हर दफा बच जाते हैं वो. आप बताएं आपका नहीं ठीक है? डॉक्टर चली गई तो कहती है आपके साथ आप क्यों नहीं है? गाइस मैंने भी जाना था मामा के साथ. मेरा भी थोड़ा बहुत जो था इलाज चल रहा था लेकिन डॉक्टर ही नहीं थी इसलिए मैं गई. नाराज हो गई है कि डॉक्टर नहीं आई. आप डॉक्टर आंटी जी मैं आ जाऊंगी. आप टेंशन ना ले क्योंकि अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ. मैं बिल्कुल ठीक हो गई. मैंने कहा मैं वो जरा बिजी थी. मैं आई तो कहती मैं अब लेट हो रही हूँ जा रही हूँ. चलो भाई कोई बात नहीं क्योंकि अच्छा हुआ मैं नहीं गई. डॉक्टर बिजी थी. खैर होप्स तो कि आप लोगों का ब्लॉग अच्छा लगा. लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो ऑल्सो. अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल. बाय बाय अल्लाह. रबिया के बारे में जो लोगों ने कमेंट किए ना उनके जवाब भी रबिया को देने चाहिए. हाँ मैं देती हूँ अगले ब्लॉग में दूंगी.